दिल्ली के सबसे व्यस्त फ्लाईओवरों में से गिने जाने वाले लाजपत नगर फ्लाईओवर की रोड में करीब 9 इंच का गैप आ गया है। ये गैप इतना ज्यादा है कि कई बार स्कूटर बाइक ऑटो के पहिए इसमें फंस जाते हैं। फ्लाईओवर पर 6 एक्सपेंशन ज्वाइंट हैं, जिनमें से 3 में इस तरह का गैप है। एक जगह करीब 9 इंच का गैप है, इसकी जानकारी पीडब्ल्यूडी को दे दी गई है, लेकिन अभी तक मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ है। दिल्ली के लाजपत नगर फ्लाईओवर से आइए दिखाते हैं हमारे संवाददाता अश्विनी गुप्ता की रिपोर्ट। दिल्ली के लाजपत नगर फ्लाईओवर पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, सबसे ज्यादा बिजी फ्लाईओवर में गिना जाता है। और आप देखिए कि इसकी क्या हालत हुई है, कितना बड़ा गैप यहाँ पर रोड के ठीक बीचों बीच में आ गया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये जो गैप है ये आखिरकार कितना बड़ा है। आप जरा देखें, अगर इसकी तरह हम आपको एक इससे नाप करके दिखाते हैं तो ये जो गैप आपको आ रहा है 8 इंच से ज़्यादा का ये गैप है। कहीं कहीं पर ये गैप जो है 9 इंच का भी हो रहा है। ये देखिए आप, 9 इंच भी हो रहा है कहीं पर ये गैप। अगर कोई बच्चा हो तो वो यहाँ से नीचे भी गिर सकता है, इतना ज़बरदस्त यहाँ पर ये गैप आया हुआ है। पीडब्ल्यूडी विभाग के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि सर्दी की वजह से ये गैप आया है। सर्दी की वजह से जो कंक्रीट होती है वो संकुचित होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसकी वजह से ये गैप जो है वो आ गया है। हालांकि थोड़ा सा गैप ज़रूर छोड़ा जाता है, लेकिन वो गैप इस समय बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर हम आपको बताएं कि इस तरह के जॉइंट्स जो हैं, 6 जॉइंट्स हैं पूरे फ्लाईओवर में, और ये कम से कम 3 जॉइंट्स में इतना ही गैप आ गया है। हालांकि पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी कहते हैं कि इसकी मरम्मत करनी होगी, लेकिन ये मरम्मत कब शुरू होगी, क्योंकि आप देखिए कि इसकी वजह से पीछे जो गाड़ियां हैं उनमें भी जाम लग रहा है। गाड़ियां यहां से बहुत धीरे धीरे होकर के जा रही हैं और इसकी वजह से ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, और मरम्मत जब होगी तो भी यहाँ पर ट्रैफिक को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसकी मरम्मत जल्द से जल्द होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बिजी फ्लाईओवर है और लोगों के लिए, वाहनों के लिए इतना बड़ा गैप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली।